हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। स्टॉक मार्केट एनालिसिस नेक्स्ट वीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने आप को तैयार करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में, ताकि हम जान सकें कि क्या संभावनाएं बन रही हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस से। और शुरुआत करते हैं दोस्तों मदर ऑफ ऑल इंडेक्सेस इंडाइसेस S&P 500 से। दोस्तों इस अमेरिकन इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को आप देख रहे हैं और ये एक बुलिश ट्रेंड में है। विजुअली हम चार्ट को देख के समझ सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक की एनालिसिस में हमने इस लेवल के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर सपोर्ट है और पहले ये लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। एक ऑब्वियस लेवल है जो 3635 का लेवल है, जहाँ पर S&P 500 में एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट टर्म्स में 3727, और ये लेवल अगर टूटता है तो ये मोर और लेस शॉर्ट टर्म जो करेक्शन हुआ था उसका एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जो प्राइस को क्षमता रखता है ऊपर ले जाने की 3800 लेवल पे। इसके अलावा दोस्तों इसके प्राइस के बिहेवियर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है, जिसकी चर्चा पहले भी इस चैनल में की गई थी। सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो लोअर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है और अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों हम इसमें बुलिश हैं और अपसाइड मूव एक बार 3727 के लेवल के ऊपर में ये ट्रेड करने लगा तो बहुत जल्दी इसमें 3800 के लेवल की संभावना नजर आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों इंडियन इंडेक्स की तरफ, और सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए हम पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से निफ्टी की संभावनाएं आने वाले समय में बन सकती हैं। तो दोस्तों इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक राइजिंग चैनल में निफ्टी का एक प्राइस का एक्शन समझ में आ रहा है, जहाँ अपर फाइबर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, प्राइस का रिजेक्शन है, और यहाँ पर दोस्तों इसका ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर लोअर फाइबर का इस बेयर मार्केट 2020 में ब्रेकडाउन हुआ था और प्राइस ने यहाँ एंट्री की थी। ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है और पहले ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? इसका तात्पर्य बहुत क्लियर है कि 13,000 का लेवल जो करीब अपर फाइबर है इस चैनल का, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है निफ्टी में और वो एक अच्छे सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा अगर इसमें हेल्दी करेक्शन अगर निफ्टी में हुआ तो। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, करंट वीक की कैंडल निफ्टी दोस्तों क्लोज हुआ लास्ट वीक में, ट्रंकेटेड वीक था क्रिसमस के कारण, और 13,749.25 पर ये क्लोज हुआ। लास्ट कैंडल को ध्यान से देखें, वीकली कैंडल को, जो 21 दिसंबर 2020 में वीक की शुरुआत हुई थी, तो एक बेयर्स ने प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश की, लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन हुआ और एक इमीडिएट रिकवरी आती हुई नजर आई और एक पिन बार जैसा फॉर्मेशन बना, जो इंडिकेट करता है कि बेयर्स बुल पे हावी नहीं हो सके। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि प्राइस में एक करेक्शन हुआ, प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया, लास्ट इंपल्सिव वेव के अगर फिबोनाची एक्सपेंशन को खींचते हैं तो 127.2% लेवल जो आता है दोस्तों, वो आता है 14,300 का एक, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, वो एक्चुअली मंथली टाइम फ्रेम में था 14,300। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट इंपल्सिव वेव को ये खींचा तो 14,000 का लेवल जो है 127.2% आ रहा है। तो आने वाले वीक में 14,000 पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखेंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई बुल रन की समाप्ति होगी, वहां पर दोस्तों प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी, एक करेक्शन की संभावना
14,000 पे बन सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में प्रायर इंपल्सिव वेव का अगर फिबोनाची एक्सपेंशन लेते हैं तो निफ्टी की क्षमता जो है वो 14,300 तक जाने की है। अब डाउन साइड में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, तो एक रिजेक्शन था प्राइस का, फिर यहाँ सपोर्ट बना, तो हम बोल सकते हैं 13,000 से लेके 13,130 का जो बैंड है, ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई हैं, ये एक डिमांड बैंड के रूप में एक्ट कर रहा है, करना चाहिए। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें शॉर्ट टर्म दोस्तों, तो वो दोस्तों आ रहा है इस जगह पे, देखिए मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है वो 13,450 का लेवल है। तो आने वाले सप्ताह में हम 13,450 को एक सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं, जबकि 14,000 के लेवल को एक रेजिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं इस वीकली मार्केट अपडेट। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक राइजिंग चैनल को आप ध्यान से देखिए, लोअर फाइबर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट और अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस है, और इस जगह पे इस अपर फाइबर का ब्रेकआउट हुआ 9 नवंबर 2020 को। इसका मतलब बैंक निफ्टी की प्राइस में क्लियरली हम एक्सपेंशन देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो लास्ट वीक में हुई दोस्तों, वो 30,402.2 पे हुई। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो प्रायर प्राइस एक्शन जो है, प्राइस का ये सपोर्ट है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन थी वो एक इंटरवीनिंग अब रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगी जब निफ्टी अपसाइड मूव करेगा। उस हिसाब से दोस्तों 31,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में आ रहा है, और उसके बाद 32,600 का लेवल है जो 31,500 से 32,600 का एक सप्लाई बैंड हमें प्राइस एक्शन पे वीकली टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है। अब दोस्तों, हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को बढ़ाते हैं। बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, जबकि बैंक निफ्टी को अभी लाइफ टाइम अचीव करना है जो हाई था इसका। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इमीडिएट टर्म्स में आप इस जगह पे देखिए 29,940 का जो लेवल है बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन है और यहाँ पर आप देखिए एक गैप है, एक विंडो का फॉर्मेशन है जो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो आने वाले सप्ताह में 29,940 याद रखने के लिए से हम 30,000 का लेवल समझ सकते हैं, एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। अगर अपसाइड में देखें तो ये शॉर्ट टर्म करेक्शन में, जैसे कई बार हम बोलते हैं फोर्स्ड डबल बॉटम, तो यहाँ पर दोस्तों एक मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पर एक बुलिश पिनबार का फॉर्मेशन हुआ और निफ्टी ने दोस्तों EMA 21 के ऊपर में ये ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों, अगर ये लेवल यहाँ पर डबल बॉटम जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था, इसका अगर ब्रेकआउट हुआ 30,900 के ऊपर अगर प्राइस गई, तो हम आने वाले समय में इसे और ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और ये रेजिस्टेंस लाइन एक जो है, ये सपोर्ट लाइन जो थी अब रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगी। तो आने वाले वीक में फिलहाल हम कंक्लूड करते हैं 31,500 से लेकर यहाँ पर देखें 31,750 का लेवल एक सप्लाई बैंड है, जबकि 30,000 का लेवल एक सपोर्ट के रूप में है, यहाँ पर हम प्राइस एक्शन द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे मिड कैप इंडेक्स को एक बार देखते हैं कि उसकी संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं। जब हम होलिस्टिक वी मार्केट का लेते हैं, ग्लोबल मार्केट को भी कंबाइन करते हैं और साथ में करेंसी को भी देखते हैं, तो हमें क्लैरिटी तैयार होती है और हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं आने वाले वीक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन को एनेबल कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप 100 का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट। यहां पर दोस्तों बहुत क्लैरिटी नजर आ रही है कि यहां पर देखिए, ये राइजिंग चैनल में प्राइस ट्रेड हो रही थी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, एंड ये अपर फाइबर में
तो यहां पर दोस्तों इसका प्राइस एक्सपेंशन होता हुआ नजर आया, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रिट्रेस किया और इसके मिडिल फाइबर में यहां प्राइस ने सपोर्ट लिया और उसके बाद बाइंग आ रही है। तो इसके अनुसार 19,467 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट है, जो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है कहना चाहिए, इंटरमीडिएट टर्म सपोर्ट है, जहां पर एक ईएमए 55 का भी कॉन्फ्लुएंस हमें मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 20,233, तो ये कंप्लीट बैंड जो है ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का वो एक डिमांड बैंड के रूप में एक्ट करेगा। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है दोस्तों और इसके काफी ऊपर जाने की संभावना नजर आ रही है दोस्तों। अब हम चलते हैं और यूएस डॉलर आयनर करेंसी पेयर को एक नजर डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये यूएस डॉलर आयनर करेंसी पेयर का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। कई एनालिसिस के दौरान इस चैनल पे पहले भी चर्चा की गई थी कि एक फॉलिंग चैनल में ये ट्रेड हो रहा है, जहां लोअर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहां पे प्राइस एक्शन को अगर समझें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, इसमें 73.4 एक अच्छा सपोर्ट है और 74.2 एक अपसाइड का रेंज है दोस्तों। तो यूएस डॉलर आयनर की इसी रेंज में रहने की संभावना नजर आ रही है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, एक नजर गोल्ड के प्राइस पर डालते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड स्पॉट का प्राइस चार्ट यूएस डॉलर के टर्म्स में दोस्तों। यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव के बाद एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ और इसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल भी बोल सकते हैं। तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का यहां देखिए इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ 17 दिसंबर को, जो नॉर्मल प्रक्रिया है। प्राइस ने रिट्रेस किया, नेक लाइन को टेस्ट करके फिर इसमें बाइंग आती हुई नजर आ रही है और कई कन्फ्लुएंसेस हैं, ईएमए 21, ईएमए 55। लेकिन दोस्तों इमीडिएट टर्म्स में ये दो काउंटर ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो एक सिग्निफिकेंट सप्लाई जोन है गोल्ड में। तो गोल्ड में दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टर 1900 में आ रहा है और 1930, तो 1900 डॉलर से लेके 1930 का डॉलर दोस्तों ये एक जो बैंड है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, सप्लाई बैंड है। लेकिन दोस्तों अगर इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट की बात करें तो इसमें क्षमता रखता है दोस्तों 1965 डॉलर तक जाने की, और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए मल्टीपल रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस के पास प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी और एक करेक्शन की संभावना बनेगी। ओवरऑल व्यू गोल्ड में भी बुलिश नजर आ रहा है दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब and hit the notification bell to stay updated on our channel.